तिजोरी की चाबी, कौन देगा रोहित की कॉमेडी फिल्म में एक्शन के तड़के के लिए साथ। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। रोहित शेट्टी यानी गाड़ियों का हवा में उड़ना फिक्स है, लेकिन उनको हवा में उड़ाने के लिए गाड़ियों के पंख तो लगा नहीं सकते, लेकिन हाँ हम एक जादू की छड़ी का सहारा जरूर ले सकते हैं और ये जादू की छड़ी है VFX की। जी हाँ, जहाँ रोहित की हर फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलते हैं जिसके पीछे VFX का काफी बड़ा हाथ रहता है, ऐसे में गोलमाल के कई पार्ट्स और रोहित शेट्टी की कई फिल्मों में अजय की VFX कंपनी नए वाला VFX ने काम किया है। ऐसे में आने वाली गोलमाल 5 में भी हमें इसी VFX कंपनी का काम देखने को मिलने वाला है। वेल, रोहित की कोई भी फिल्म आती है सबको ये जरूर पता रहता है कि उसमें अजय का होना तय है, क्योंकि देखा गया है कि रोहित की फिल्में जिनमें अजय को प्रोड्यूस और VFX का काम देते हैं, ऐसे में अजय रोहित की फिल्मों से काफी माल जुटा पाते हैं और रोहित भी अजय के बेहतरीन एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस से बड़ा माल कमा लेते हैं। गोलमाल फ्रेंचाइजी की फिल्में सभी वैसे तो कॉमेडी से भरपूर रही हैं, लेकिन रोहित ने उसमें भी एक्शन की कोई कमी नहीं रखी है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि रोहित सांस लेना भूल सकते हैं, लेकिन स्टंट्स और एक्शन नहीं। वहीं गोलमाल के सभी पार्ट्स में रोहित शेट्टी ने खुद ही एक्शन डिजाइन किए हैं और इसमें उनका साथ दिया है दो और महारथी, सुनील रॉड्रिक्स जो फिल्म में एक्शन कोऑर्डिनेटर हैं और अमृतपाल सिंह असिस्टेंट एक्शन डायरेक्टर के तौर पर। अब ऐसे में आने वाली गोलमाल की 5वें पार्ट में हमें रोहित संग यही दो उनके धुआंधार एक्शन कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट नजर आने वाले हैं। देखना मजेदार होगा कि क्या इस बार कॉमेडी के साथ साथ एक्शन और VFX का तड़का लगाएगा फिल्म में चार चांद। वहीं बात करें फिल्म के शुरू होने की, तो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है और जल्द ही हमें शूट होते हुए दिखने वाले हैं, इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के शुरुआती दौर में। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या कितना जबरदस्त एक्शन होंगे इस बार फिल्म में। धन्यवाद।